आज हम बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो जिसके द्वारा पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का अंतिम परिणाम इन्होंने जारी कर दिया है। तो हमारे चैनल एल एम स्टूडियन जॉब पर आपका हार्दिक स्वागत है। जो यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल एल एम स्टूडियन जॉब को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले मिलती रहे। तो आज की अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज की अपडेट है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 था उसका अंतिम परिणाम या फाइनल रिजल्ट इन्होंने जारी कर दिया है। जारी फाइनल डेट है, फाइनल रिजल्ट की डेट कितनी है तो 27/5/2022 है। तो इसमें क्या बताया गया है, राजस्थान राजस्व अधीनस्थ सेवा अधिनियम 2019 एवं राजस्थान अनुसूचित अधीनस्थ मंत्रालय चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम के अंतर्गत बोर्ड द्वारा पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 गैर अनुसूचित क्षेत्र में 4825 एवं अनुसूचित क्षेत्र में 785 कुल 5610 पदों पर भर्ती है। तो संबंधित विभाग ने अर्थना प्राप्त होने पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जयपुर द्वारा विज्ञापित संख्या 3/2019 दिनांक 17/1/2020 जारी कर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमित किए गए थे। उक्त भर्ती परीक्षा का आयोजन 23/10/2021 से 24/10/2021 को किया गया था। पात्रता जांच दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक 25/1/2022 को परिणाम जारी कर अस्थायी एवं अंतिम अभ्यर्थियों की सूचीबद्ध किया गया है। पात्रता जांच दस्तावेज सत्यापन पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की श्रेणी वरीयता के विज्ञापन पदों के विरुद्ध अंतिम चयन एवं पदस्थापन अनुशंसा संबंधी विभाग के प्रेषित की जा रही है। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का रोल नंबर कट ऑफ मार्क्स नियमानुसार है। यानी इसमें क्या बताया गया है कि जो परीक्षा हुई थी यानी इस पर टोटल गैर अनुसूचित क्षेत्र से 4825 और अनुसूचित क्षेत्र से 785 कुल 5610 जो अभ्यर्थी है उनकी ये सूची जारी की है, रोल नंबर जारी किया है। इस रोल नंबर को जिसका रोल नंबर आया उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया है जो पटवारी भर्ती है उसमें। तो इसकी पीडीएफ है आपको कहाँ मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल एल एम स्टूडियन जो पर इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं कितनी कट ऑफ रही है फाइनल की, तो उस कट ऑफ के बारे में विस्तार से देख लेते हैं। अगर आप अपना रोल नंबर देखना चाहते हो तो वीडियो को रोक रोक कर भी देख सकते हो। इस प्रकार ये सभी रोल नंबर दिए हुए हैं, जिस अभ्यर्थी के रोल नंबर है वो अपना रोल नंबर चेक कर सकता है। जो भी सिलेक्टेड हुए कैंडिडेट उनको बहुत बहुत अग्रिम बधाई। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ कितनी रही है फाइनल कट ऑफ जो पटवारी भर्ती है उसमें, तो जनरल की कट ऑफ रही है 226.93 जिसमें फीमेल की कट ऑफ रही है 217 और विधवा की कट ऑफ रही है विंडो की 132.74 कट ऑफ रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस में, जो जनरल ईडब्ल्यूएस है उसमें कट ऑफ कितनी रही है, जनरल की 218 और फीमेल में 206 कट ऑफ रही है, विंडो में 117 कट ऑफ रही है। उसके बाद है एससी में जनरल कैटेगरी की 199 कट ऑफ रही है और जनरल कैटेगरी में महिला की कट ऑफ है वो 186.45 रही है, जिसमें विंडो कैटेगरी के कट ऑफ है वो 94.20 कट ऑफ रही है। उसके बाद है एसटी कैटेगरी में जनरल कैंडिडेट थे उसकी 195.47 कट ऑफ रही है और जो एसटी कैटेगरी में महिला थी उसकी 186.56 कट ऑफ रही है। उसके बाद जो विंडो है एसटी कैटेगरी में उसकी 85.19 कट ऑफ रही है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी में जो जनरल कैंडिडेट थे उसकी 225.66 कट ऑफ रही है और फीमेल कैंडिडेट की कितनी कट ऑफ रही है, तो 212.15 कट ऑफ रही है। ओबीसी में विंडो कैटेगरी की कट ऑफ कितनी रही है, तो 118.400 कट ऑफ रही है। एमबीसी की बात कर ले तो एमबीसी जनरल में 212.12 कट ऑफ रही है और फीमेल में 190.35 कट ऑफ रही और विंडो कैटेगरी के लिए 117 कट ऑफ रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं शहरिया में जनरल की 86 कट ऑफ रही है और फीमेल की 73 कट ऑफ रही है, विंडो की कोई कट ऑफ नहीं है और जो विकलांग होते हैं उसकी 44.17 कट ऑफ रही है। यह तो थी नॉन टीएसपी एरिया की, जिसमें एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ कितनी रही है, तो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 148.148 रही है .87 रही है और एलडीसीपी यानी जो विभागीय थे उनकी कट ऑफ 156.32 रही है। अब बात कर लेते हैं टीएसपी एरिया में, जो टीएसपी एरिया है उसकी कट ऑफ कितनी रही है, तो टीएसपी एरिया में जनरल की कट ऑफ 197 रही है, जनरल में फीमेल यानी महिला की कट ऑफ 184.07 और विंडो की कट ऑफ रही है 85.73। उसके बाद एससी
जो टीएसपी एरिया है उसमें एससी की कट ऑफ कितनी रही है, जनरल की 185.79 और फीमेल की 171.73 कट ऑफ रही है, विंडो की कोई कट ऑफ नहीं है। एसटी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ है 145.89, फीमेल की कट ऑफ है एसटी कैटेगरी में 138.84 कट ऑफ रही है और विंडो की 36 कट ऑफ रही है। उसके बाद यहाँ एक्सरिस मैन की कट ऑफ 21.92.0451 रही है और एलडीसीपी की कट ऑफ 120.7394 रही है। यह तो थी कट ऑफ के बारे में जो हमने बता दिया है, संपूर्ण कट ऑफ यानी कितनी कट ऑफ रही है। यह पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा जो 2021 थी उसका फाइनल रिजल्ट आज इन्होंने जारी कर दिया 27 मई 2022 को। तो जो कैंडिडेट पास हुए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल एल एम स्टडी एंड जॉब को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब किस किस का सिलेक्शन हुआ वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और उसके कितने नंबर आए थे, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रस्तुत कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।